कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे को देखते हुए बक्सर डीएम अमन समीर के आदेश पर 10 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक 3 दिनों के लिए बक्सर को लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य चीजों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। खासकर सार्वजनिक और निजी कार्यालयों के साथ साथ दुकानों को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा डुमराव और बक्सर नगर परिषद क्षेत्र में वाहनों को चलाने पर भी रोक लगाया गया है। हालांकि इमरजेंसी सेवा के लिए जा रहे लोगों को इस दौरान छूट दी गई है। बक्सर जिला परिवहन पदाधिकारी मनोज रजक ने बताया कि ट्रेन पकड़ने वाले और ट्रेन से आने वाले लोगों को यात्रा करने की छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान उनके पास वाजिब टिकट का होना लाजमी है। ऑटो ई रिक्शा से वो अपने घर जाएंगे, लेकिन उनके पास टिकट होना चाहिए, चाहे ट्रेन पकड़ने के लिए हो और चाहे ट्रेन से उतरने वाले, दोनों स्थिति में टिकट होना चाहिए सवारी करने वाले। इसके अलावा और कुछ ध्यान दिया जा रहा है सर लॉकडाउन? और ध्यान दिया जा रहा है, अति आवश्यक सेवाओं को नहीं बंद किया गया है। दवा की दुकान, दवा लेने वाले को प्रिस्क्रिप्शन के साथ जा रहे हैं। तो सार्वजनिक कार्यालय जो है प्राइवेट वगैरह ये सब बंद रखे गए हैं। बसों का परिचालन चूँकि दूसरे जिला में है इसलिए उसको नहीं रोका गया है, इंटर डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन नगर परिषद डुमराव और बक्सर में प्रखंड मुख्यालय में ये ऑटो ई रिक्शा का आमतौर पर प्रतिबंध किया गया है। लेकिन अति आवश्यक जा रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल जा रहे हैं या स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, ट्रेन से उतर रहे हैं, उन पर कोई रोक नहीं। लॉकडाउन के दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के पहले दिन बक्सर में दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर न के बराबर आवाजाही देखी गई। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार गश्त करते देखे गए और बेवजह घूमने वालों को रोका टोका गया। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज, बक्सर।